हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कार्स। आज हमारे सामने है द न्यूली लॉन्च्ड मारुति सुजुकी अल्टो K10। तो इस सुहावने मौसम में आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है। इसी सुहावने मौसम में मारुति सुजुकी ने जो मीडियम बजट बायर्स है, जो मीडियम बजट की एक स्मॉल हैचबैक कार परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक सौगात जो है पेश कर दी है। तो ये है मारुति सुजुकी अल्टो K10। अल्टो K10 जो है पहले भी आती थी मारुति के द्वारा ही, लेकिन उसको अप्रैल 2020 में कुछ BS6 नॉर्म्स के कारण डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, लेकिन अब जो है दोबारा मार्केट में लॉन्च की गई है। तो आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी K10 जो कार अभी इसने लॉन्च की है मारुति ने, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट फेसिया की। तो फ्रंट फेसिया में आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मारुति सुजुकी का लोगो देखना मिल जाएगा, साथ ही यहां पर आपको नीचे जो है काफी बड़ी आपको रेडिएटर ग्रिल देखना मिल जाती है। ये एज ए माउथ यहां से आपको देखना मिल जाएगा कि जैसे जो वुमन बींग होते हैं उनका फेस होता है, उसी टाइप का आपको यहां पर फेसिया देखना मिलेगा। और यहां पर आपको जो टिथ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो देखना मिल जाती है। काफी बिग होल ओपनिंग्स के साथ आपको यहां पर रेडिएटर ग्रिल देखना मिलेगी। इसी के साथ बात करें इसके हेडलैम्प्स की, तो यहां पर आपको रिफ्लेक्टर टाइप हेलोजन हेडलैम्प्स देखना मिल जाते हैं, जिसमें आपको यहां पर 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब देखना मिलेगा हेडलैम्प के लिए। और साथ ही यहां पर आपको साइड इंडिकेटर की प्लेसिंग देखना मिल जाती है, और साथ ही यहां पर आपको एक पाइलट लैंप देखना मिल जाएगा। जो हेडलैम्प की यूनिट है ये आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप मिलेगी, सिंपल आपको हेडलैम्प्स यहां पर देखना मिल जाती है। इसी के साथ नीचे आप देखते हैं तो यहां पर आपको कोई भी फोग लैंप्स की हाउसिंग देखना नहीं मिलेगी। मारुति ने इस बार यहां से फोग लैंप्स भी हटा दिए हैं। साथ ही फ्रंट जो विंडशील्ड है उसको वॉश करने के लिए आपको सिर्फ यहां पर सिंगल यहां पर पॉइंट वॉशर देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो वाइपर्स है वो आपको ड्यूल ही देखने मिलेंगे। इसी के साथ चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप सबसे पहले देखते हैं तो यहां पर आपको टायर साइज जो देखने मिलेगा वो आपको 13 इंच का टायर साइज यहां पर ऑफर किया गया है, 145/80R13 यहां पर आपको टायर साइज ऑफर किया गया है। साथ ही जहां पर रिम आपको ऑफर किया गया वो आपको स्टील रिम देखना मिलेगा। इसके ऊपर आप मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज से व्हील कवर्स लगवा सकते हैं। इसी साथ आप देखते हैं तो यहां पर आपको साइड फेंडर पर साइड इंडिकेटर की प्लेसिंग देखने मिलेगी। आगे चलते हैं तो आपको यहां पर ब्लैक मेट कलर में ORVM देखने मिल जाता है। जो ORVM है वो साइज इसका काफी अच्छा है, लेकिन जो एक चीज देखने मिलेगी कि यहां से आप इसको अंदर से कहीं भी सेट नहीं कर सकते, इसको आपको बाहर से ही एडजस्ट करना होगा। जैसे भी आप इसको करना चाहते हैं इस टाइप से आप इसको एडजस्ट करेंगे। इसी साथ आप आगे चलते हैं तो यहां पर आपको ब्लैक कलर में डोर हैंडल देखने मिलेगा। यहां पर आपको की इंसर्ट करने के लिए होल देखने मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको काफी अच्छी साइज की जो रियर विंडो वो देखने मिल जाती है। यहां से जो है क्वार्टर ग्लास भी हटा दिया गया है। इस टाइप की कंप्लीट आपको यहां पर जो साइड प्रोफाइल है वो देखने मिल जाती है। इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल में गाड़ी कुछ इस टाइप की लगती है। जो इसका जो डिजाइन कंप्लीट मारुति ने किया है वो आप देखेंगे तो अल्टो सिलेरियो और एस्प्रेसो को मिला जुला कर जो डिजाइन बनाते हैं वो इसका डिजाइन किया गया है। जो कंप्लीट जो पार्ट शेयरिंग है वो भी आप कह सकते हैं कि मारुति ने की है। इसमें सिलेरियो अल्टो और एस्प्रेसो को जो कंप्लीट पार्ट शेयरिंग जो है वो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि अल्टो प्लस एस्प्रेसो प्लस सिलेरियो इज इक्वल टू अल्टो K10। तो बात करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहां पर आपको कोई भी सर्फिन एंटीना यहां पर ऑफर नहीं किया गया है, साथ ही ना कोई यहां पर आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। इसी के साथ जो रियर विंडशील्ड है वहां पर आपको कोई भी डिफोगर या फिर वाइपर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी का लोगो देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अल्टो K10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आप देखते हैं तो टेल लैंप्स को आप देखते हैं तो यहां पर आपको जो टेल लैंप है वो आपको हेलोजन बेस ऑफर की गई है। यहां पर आपको स्टॉपिंग लाइट देखने मिलेगी, यहां पर आपको रियर जो हमारा साइड इंडिकेटर वो देखने को मिल जाता है, और यहां पर आपको रियर पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है। सिंपल एंड सोबर डिजाइन पूरा इस गाड़ी को दिया गया है, लेकिन देखने में काफी इंप्रेसिव लुक ऑफर कर रही है। इसी के साथ नीचे आप देखते हैं तो यहां पर आपको रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर आपको डुअल पॉइंट रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अब हम इसके बूट गेट को ओपन कर लेते हैं। तो टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको अपनी चाबी को कुछ इस टाइप से यहां पर इंसर्ट करने के लिए दिया गया है। इस टाइप से आपका जो बूट गेट है वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको छोटा सा एक पैनल दिया गया है इंसुलेशन के लिए। यहां पर आप देखते हैं तो काफी बढ़िया साइज का आपको
जो बूट स्पेस है वो ऑफर किया गया है। जो एल्टो पहले अब आ रही थी, जो 2020 से लेकर अब जो एल्टो आ रही थी, जिसमें आपको 800 सीसी का इंजन मिलता था, उसमें आपको 175 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अभी तक जो लॉन्च तो हो गई, लेकिन अभी मुझे इसकी ज्यादा डायमेंशन वगैरह का अंदाजा नहीं लगा है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको लगभग 200 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको प्रोविजन दिया गया है यहां पर पार्सल ट्रे लगाने के लिए। इसी साथ हम थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं इसको क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। नहीं, और यहाँ पर कुछ नहीं दिया। तो इस टाइप का कुछ आपको यहाँ पर बूट स्पेस ऑफर किया गया है। इसी के साथ इसके आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेयर टायर की प्लेसिंग देखने मिलेगी। तो बूट स्पेस आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिया गया है। बूट स्पेस को ओपन करने के लिए आप चाबी यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो ड्राइवर साइड जो सीट है उसके नीचे भी आपको एक नॉब दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं, इस नॉब को आप पुश करके भी जो हमारा टेल गेट है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये था एल्टो K10 का एक्सटीरियर का वॉक अराउंड। इसी साथ अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो कुछ जनरल जो स्पेसिफिकेशंस है। इसी साथ अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन की। तो एल्टो K10 में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर K10 सीरीज पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा, जो कि जनरेट करता है 89 Nm का टॉर्क और 66 BHP की पावर। इसी साथ इसमें आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों गियरबॉक्स यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने मिलेगा। इसी के साथ बात करें इसके वेरियंट्स की, तो कंपनी ने इस बार टोटल इसमें 12 वेरियंट्स लॉन्च किए हैं, जो कि है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXi, LXi ऑप्शनल, VXi, VXi ऑप्शनल, VXi प्लस, VXi प्लस ऑप्शनल। ये जो सारे वेरियंट्स रहेंगे ये आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने मिलेंगे। इसी साथ जो AMT में लॉन्च किए गए हैं वेरियंट वो है VXi AGS, VXi ऑप्शनल AGS, VXi प्लस AGS एंड VXi ऑप्शनल AGS। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट 12 वेरिएंट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसके साथ बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स देखने मिलेंगे, साथ ही ABS प्लस EVD यहाँ पर देखने मिलेगा, सीट बेल्ट वार्निंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो इस टाइप से कुछ आपको सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इसके बाद बात करें इसके कलर ऑप्शंस की, तो इस बार मारुति ने इसमें 6 कलर ऑप्शंस ऑफर किए हैं, जो कि है सॉलिड व्हाइट, सिल्की सिल्वर, ग्रेनाइट ग्रे, स्पीडी ब्लू, सिजलिंग रेड एंड अर्थ गोल्ड। अभी जो आप सामने कलर देख रहे हैं ये है हमारा सॉलिड व्हाइट। और जो ये वेरिएंट है, मुझे क्या लगता है कि ये वेरिएंट अभी जो है ये है हमारा LXi। ज्यादा हमें अभी नॉलेज नहीं मिली है इस वेरिएंट की, तो पहले हम आपको इसके जो अंदर की फीचर्स है वो अब दिखा देते हैं। इसी के साथ गाड़ी लॉन्च तो हो गई है, बट अभी तक हमें इसके एक्सशोरूम प्राइस और जो इसकी जनरल डायमेंशन थी उसका अभी हमें पता नहीं चल पाया है। तो जैसे ही हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी तो हम उसी टाइम एक वीडियो आपके लिए डाल देंगे, या फिर एक शॉर्ट के जरिए आपको उसकी चीज बताने की कोशिश करेंगे, इसकी जो जनरल डायमेंशन है और साथ ही जो इसकी जो प्राइस रेंज है वो आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लिंक जल्दी जल्दी मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक जो है आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में चलने से पहले आपको चाबी दिखा देता हूँ। तो चाबी आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको दोनों ही मैनुअल की ऑफर की गई है, यहाँ पर आपको कुछ भी जो बटन है वो नहीं दिए गए हैं। दोनों कुछ इस टाइप की आपको चाबी देखने मिलेगी। बात करते हैं इसके डोर ट्रिम की, तो डोर ट्रिम आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर ऑफर की गई है। कंप्लीट ब्लैक आपको इंटीरियर देखने मिलेगा। इंटीरियर में आपको यहाँ पर कोई भी ORVM को एडजस्ट करने के लिए कोई भी नॉब वगैरह नहीं दी गई है। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में यहाँ पर डोर हैंडल देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिरर को अप डाउन करने के लिए ये हैंडल दिया गया है। इसमें आपको पावर विंडो का कोई भी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई प्लास्टिक की हार्ड प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ नहीं मिल रहा या ऑफर नहीं की गई है। यहाँ पर आपको कुछ फ्री स्पेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको 1 लीटर बोतल होल्डर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी साथ यहाँ पर आप देखते हैं तो स्पीकर की ग्रिल देखने को मिल जाती है। अभी ये चीज कन्फर्म नहीं है कि इसके अंदर स्पीकर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। तो कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड जो डोर ट्रिम है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर और सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो चाबी है हमारी गाड़ी की वो यहाँ पर हॉल में इंसर्ट करनी होगी। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है।
तो ये आपको किसी फैमिलियर चीज की याद दिला रहा होगा कि हाँ ये एस्प्रेसो का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है उस टाइप का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर ऑफर किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि सिलेरियो और जो एस्प्रेसो है और एल्टो है उनको मिला के यहाँ पर बनाया गया है, तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पहले भी देखने मिलेगा। तो वही मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको पार्ट शेयरिंग की भरपूर आपको यहाँ पर चीजें देखने मिलेगी। कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखना मिल जाता है। इसमें आपको आरपीएम मीटर ऑफर नहीं किया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको छोटी सी एक एमआईडी ऑफर की गई जिसमें आपको ट्रिप मीटर यहाँ पर दिखाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको जो फ्यूल का लेवल है वो भी यहाँ पर दिखाता रहेगा। आप देख सकते हैं जो जनरल वार्निंग्स है इंजन के लिए रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पर दिखाएगा और साथ ही जो वार्निंग्स है वो यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा, जैसे सीट बेल्ट वार्निंग है या हैंड ब्रेक की वो जो वार्निंग है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिल जाता है। इसके साथ बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील के सेंटर में आपको यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो देखने मिलेगा और साथ ही यहाँ पर आपको एक एयरबैग की प्लेसिंग और यहाँ पर आपको एक एयरबैग की प्लेसिंग देखने मिल जाती है। इसी साथ एक बार इसके जो स्टीयरिंग व्हील है उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर कोई आपको सेटिंग देखने मिलती है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको कोई भी टिल्ट का टेलीस्कोपिक सेटिंग यहाँ पर देखना नहीं मिलेगी, सिंपल आपको स्टीयरिंग व्हील देखना मिल जाता है। कंप्लीट आपको जो हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील देखना मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील पर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ी सी टेक्सचर देखना मिलेगा। इसी साथ देखते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्ट्रोक देखना मिल जाता है और यहाँ पर आपको वाइपर्स का स्ट्रोक देखना मिलेगा। इसी साथ यहाँ पर आप नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फ्री यहाँ पर स्पेस दिया गया है, अगर आप कोई सीएनजी वगैरह या आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो यहाँ पर आप उसकी सेटिंग वगैरह करवा सकते हैं। इसी साथ नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट की जो हाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए रेगुलेटर यहाँ पर दिया गया है। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बोनेट ओपन करने के लिए स्विच जो नोब है वो दी गई है। नीचे आपको एबीसी 3 पैडल्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेड पैडल के लिए कोई भी फ्री स्पेस यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है। तो और साथ ही ड्राइवर के लिए यहाँ पर आपको एसी का वेंट देखना मिल जाता है, जो एसी का वेंट है वो काफी आपको नॉर्मल सा सिंपल सा देखना मिलेगा। इसी साथ बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड देखने मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको कोई स्टोरेज स्पेस देखने नहीं मिलेगा। स्टोरेज स्पेस के लिए यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स दिया गया है, नॉर्मल स्पेस के साथ आपको यहाँ पर ग्लोव बॉक्स देखने मिलेगा। इसी साथ बात करें इसके सेंट्रल कंसोल की, तो यहाँ पर आपको दो एसी के वेंट देखने मिलेंगे। नीचे आपको कोई भी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वो देखने नहीं मिलता, यहाँ पर आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम आफ्टर मार्केट या मारुति सुजुकी की जनरल नेसेसरी से लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्री स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है थोड़ा बहुत कुछ सामान रखने के लिए। यहाँ पर आपको जो हजार्ड लैंप है उसका स्विच दिया गया है, नीचे आपको एसी के कंट्रोल स्विच दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आप एसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया, ये आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत फ्री स्पेस यहाँ पर देखने मिल जाता है और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं। इसी साथ यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको उसका नॉब देखने मिलेगा और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग देखने मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको कुछ थोड़ा सा फ्री स्पेस दिया गया है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो आईआरवीएम दिया गया है वो भी आपको सिंपल दिया गया है, यहाँ पर आपको डे एंड नाइट का आईआरवीएम का प्रोविजन यहाँ पर नहीं दिया गया। कैबिन लाइट आपको येलो हेलोजन दी गई है, सन प्रोटेक्टर में आपको कोई भी वैनिटी मिरर यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। इस साइड भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑफर नहीं किया गया, बल्कि यहाँ से तो टिकट होल्डर जो आता है वो भी हटा लिया गया है। साथ ही वो पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर हैंडल देखने मिल जाएगा, तो कुछ इस टाइप की आपको पूरा यहाँ पर जो कैबिन स्पेस है वो देखने मिल जाता है। इसी साथ बात करें इसके सीटिंग कुशनिंग की, तो सीट कुशनिंग जो है यहाँ पर आपको काफी अच्छी दी गई है, कंफर्टेबल यहाँ पर आपको सीट कुशनिंग देखने मिल जाती है। जो अगर हम बात करें इसके हेडरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने मिलेंगे आगे की सीटों में, पीछे की सीट पर आपको कोई भी हेडरेस्ट देखने में मिलता, बेंच टाइप आपको पीछे की सीटें दी गई है, वो भी हम जब पीछे चलेंगे तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो नीचे आपको दो नोब देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूल लीड ओपनिंग का लीड जो नोब है वो देखने मिलेगी और यहाँ पर आपको बूट स्पेस ओपन करने के लिए लीड देखने मिल जाती है। इसी साथ यहाँ पर आपको नोब दी गई है इसकी रिक्लाइनिंग एंगल को सेट करने के लिए, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर पूरा जो आगे का कैबिन स्पेस है वो दिया गया है। अब हम चलते हैं इसकी पीछे सीटों पर, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर पीछे की डोर ट्रिम देखने मिल जाती है। यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक सेफ्टी का फीचर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसी साथ डोर को जो विंडो है उसको अप डाउन करने के लिए नॉब और यहाँ पर आपको डोर लॉक एंड अनलॉक बटन दिया गया है, यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल यहाँ पर भी आपको ऑफर की गई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो अभी हमने जो ड्राइवर साइड सीट है उसको बिल्कुल पीछे कर लिया था, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं है, इतना काफी मात्रा में आपको यहाँ पर स्पेस ऑफर किया गया है। स्पेस के मामले में गाड़ी में कमी नहीं है, हालांकि छोटी है गाड़ी, मिनी हैचबैक के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी स्पेस की कमी नहीं है गाड़ी में। इसी साथ आप देख सकते हैं
कुछ बहुत ज्यादा चीजें आपको यहाँ पर पीछे की सीटों में नहीं देखने मिलेगी। ये कुछ जो ऐसे जो हमारी जैक्स है या जो टूल्स है गाड़ी से ऑफर किए जाते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। बात कर रहा था मैं पीछे की सीटों की, हेडरेस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडरेस्ट यहाँ पर कोई भी ऑफर नहीं किया गया है। आपको यहाँ पर सिंपल बेंच टाइप जो पीछे की सीटें वो देखने मिलेगी। साथ ही अगर आप पीछे से ही मतलब यहाँ से पीछे बैठे बैठे अगर आप जो बूथ स्पेस है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं अगर आपकी पार्सल ट्रे जो है वो इंस्टॉल नहीं है। अगर आपने पार्सल ट्रे यहाँ से लगवा रखी है तो फिर तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बिना पार्सल ट्रे के यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पीछे बैठे रहते हैं और आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो उसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पर स्पेस देखने मिल जाता है, कोई मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये था मारुति सुजुकी अल्टो K10 का इंटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी से बाहर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो मारुति सुजुकी अल्टो K10 न्यूली लॉन्च्ड के फीचर्स और एक्सटीरियर और इंटीरियर की वॉक अराउंड। इसमें जो एक चीज मुझे थी कि आज हमें इसकी जो जनरल डायमेंशंस है और जो साथ ही इसके प्राइस है वो भी हमें पता नहीं चले, तो जल्द ही मैं आपको एक वीडियो में वो भी अपडेट कर दूंगा ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अधूरी ना रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए या हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज के जो नोटिफिकेशन वो आपको जल्दी जल्दी आपकी होम स्क्रीन पर मिलते रहे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।